एलियंस यानी दूसरी दुनिया के प्राणी। आमतौर पर आपने एलियन या यूएफओ को साइंस फिक्शन मूवीज में देखा होगा या इनके बारे में तरह तरह की थ्योरी सुनी होंगी। इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग थ्योरी है अमेरिका के एरिया 51 की। एलियंस और यूएफओ से जुड़े दावों की पूरी कहानी। अमेरिकी संसद की सुनवाई में मिलिट्री के 3 एक्स ऑफिसर्स ने दावा किया कि अमेरिका के कब्जे में एलियन और यूएफओ हैं, जिनकी रिवर्स इंजीनियरिंग पर सीक्रेट रिसर्च चल रही है। हालांकि यूएस के डिफेंस डिपार्टमेंट पेंटागन ने इन दावों को खारिज कर दिया है। तो क्या एलियन सच में है? ये जानने के लिए हमें माइथोलॉजिकल बुक्स और इतिहास के पन्ने पलटने होंगे। हिंदू माइथोलॉजी में 3 लोगों का जिक्र मिलता है। वहीं प्राचीन सुमेरियन माइथोलॉजी में अनुन्नाकी यानी स्वर्ग से आए देवताओं के समूह का जिक्र है। ऐसे ही कई धर्म ग्रंथों और कहानियों में पृथ्वी से बाहर भी जीवन की कल्पना की गई है। इसके अलावा प्राचीन काल की पेंटिंग्स और कार्विंग्स में भी स्पेसशिप जैसी कलाकृतियां देखने को मिलती हैं। 18वीं सदी तक जिन दूसरी दुनिया से आए प्राणियों का जिक्र आता था वो चांद या सूरज से जुड़ा होता था, क्योंकि पृथ्वी से यही साफ दिखाई देते थे। फिर जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की और 1870 के दशक में इटली के खगोल विज्ञानी ने मंगल ग्रह के बारे में दुनिया को बताया तो मंगल ग्रह के लोगों पर कहानियां बनने लगी। फिर 1947 में अमेरिका में वी शेप के यूएफओ देखे जाने की खबरें उड़ी, जिसकी रफ्तार 2000 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इस खबर के छपते ही अमेरिका के अलग अलग हिस्सों से यूएफओ दिखने की खबरें आने लगी। यूएस आर्मी ने तो यूएफओ का एक हिस्सा मिलने का दावा भी किया, हालांकि बाद में वो मुकर गए। इसके बाद अमेरिकी एयरफोर्स ने 1947 से 1969 के बीच प्रोजेक्ट ब्लू बुक, 2007 से 2012 के बीच एडवांस्ड एरोस्पेस थ्रेट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम और 2020 में अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमिना टास्क फोर्स नाम से कई प्रोग्राम चलाए। हजारों रिपोर्ट्स की जांच की गई, लेकिन पुख्ता सबूत न मिलने पर इन प्रोग्राम्स को बंद कर दिया गया। इसी बीच अमेरिका के नेवाडा में रेगिस्तान के बीच बनी मिलिट्री टेस्टिंग साइट एरिया 51 काफी चर्चा में आ गई। दरअसल ये साइट 1955 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट आइजेनहावर ने बनवाई थी। मकसद था खुफिया अमेरिकी जहाजों की टेस्टिंग के लिए एक सीक्रेट लोकेशन। यहीं पर एक ऐसा विमान बना जो 1955 में 60,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर उड़ सकता था। जब इसकी टेस्टिंग की गई तो लोग इसे यूएफओ समझ बैठे। भारत में भी कई बार ऐसे चमकीले और अतरंगी डिजाइन के ऑब्जेक्ट्स उड़ते हुए देखे गए हैं, लेकिन भारत सरकार ने इन फिनोमिनाज को कभी इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश ही नहीं की। हालांकि कई दूसरे देशों में आज भी यूएफओ पर स्टडी जारी है।